दोस्तों हम लोग इस धरती पर हमेशा हजारों तरह की अलग अलग चीजों से घिरे रहते हैं। उनमें से बहुत सी चीजें हम इस्तेमाल भी करते हैं। उन चीजों को इस्तेमाल करना हमारी जिंदगी का हिस्सा भी बन चुका है। आज तक हमने कभी नहीं सोचा होगा कि कभी ये चीजें आज के समय से बहुत अलग हुआ करती थी, लेकिन आज हम उन्हीं कुछ चीजों के लिए कई साल पहले की समय यात्रा करने वाले हैं और इतिहास में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी चीजों पर नजर डालेंगे जिन चीजों का इस्तेमाल आज हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। सनग्लासेस। आज के समय में सनग्लासेस का इस्तेमाल हम सभी करते हैं और ये हमारी सामान्य दिनचर्या में पूरी तरह से शामिल भी हो चुका है और आज की दुनिया को सनग्लासेस के बिना देखना बेहद अजीब लगता है। दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाले सनग्लासेस आज के समय में हर दुकान पर मिलने वाले सनग्लासेस से बेहद अलग हुआ करते थे। सनग्लासेस का इस्तेमाल सबसे पहले गर्मी वाले क्षेत्र में नहीं किया गया था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतना भी अजीब नहीं है। सनग्लासेस का सबसे पहले इस्तेमाल पृथ्वी के उत्तरी क्षेत्र के बर्फीले इलाकों में किया गया था। उत्तरी क्षेत्र के बर्फीले इलाकों में रहने वाले हमारे दूर के पूर्वजों को बर्फ के कारण रिफ्लेक्ट होने वाली धूप की किरणों से काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। इन्हीं धूप की किरणों से बचने के लिए उन्होंने इन सनग्लासेस के रूप में अपनी परेशानी का हल खोज निकाला। बेशक इनमें से देखने में बेहद परेशानी होती होगी, लेकिन फिर भी ये सनग्लासेस बर्फीले इलाकों में आगे बढ़ने का उस समय का काफी अच्छा विकल्प था। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति धूप से खुद की आंखों को बचाने के लिए इन ग्लासेस का इस्तेमाल करता है तो ये सभी के लिए हैरानी की बात होगी, लेकिन हम सभी के पूर्वज उस समय कर भी क्या सकते थे। 2000 साल पहले उनके पास धूप से बचने का कोई और अच्छा विकल्प था भी नहीं। कोल आयरन। आधुनिक युग की बिजली से चलने वाली प्रेस के आने से पहले कोयले से चलने वाली इस प्रेस का इस्तेमाल किया जाता था और समय के साथ साथ इसमें काफी बदलाव होते गए और पिछली शताब्दी के मध्य में भी कोयले से चलने वाली इस प्रेस को काफी बदलावों से गुजरना पड़ा था। उस समय कोयले से चलने वाली इस प्रेस को कोई भी आसानी से खरीद सकता था। ये काफी भारी भी होती थी। इससे कपड़े प्रेस करने के लिए इसमें कोयले के जलते हुए अंगारे भर दिए जाते थे और ऑक्सीजन पास होने के लिए इसमें छोटे छोटे होल भी बने होते थे। उस समय कुछ प्रेस तो ऐसी भी आती थी जिनके ऊपर छोटी छोटी चिमनी लगी होती थी। आज के समय में कोई अगर ऐसी प्रेस को देखे तो हैरान जरूर होगा। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने के लिए इसमें कोयले के अंगारे बदलते रहना पड़ता था, जिस काम के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती थी। और मेरा यकीन मानिए, भारत के कुछ ऐसे इलाके जहां बिजली नहीं है, आज भी उन इलाकों में कोयले से चलने वाली इस प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। बाथिंग मशीन। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इक्विटी के रूल्स बेहद सख्त हुआ करते थे और वहां रहने वाले सभी को कुछ भी करके उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता था। यहां तक कि अगर कोई नहाना या फिर समुद्र में तैरना भी चाहता है तो उसे इस खास तरह की बाथिंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो एक छोटी ढकी हुई घोड़ा गाड़ी की तरह दिखती थी। उस समय लोगों को बाथिंग सूट डालने के लिए बीच के किनारे पर बने छोटे छोटे कमरों का इस्तेमाल करना पड़ता था। कपड़े बदलने के बाद वो बाथिंग मशीन यानी कि घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते और वो घोड़ा उन्हें समुद्र में ले जाकर छोड़ देता, और जब नहाने और तैरने के बाद जब वो थक जाते तब एक खास तरह का सिग्नल इस्तेमाल करके वो घोड़ा गाड़ी वापस बुला लेते और घोड़ा उन्हें वापस किनारे पर लाकर छोड़ देता। आज के समय में इसका इस्तेमाल करना बेहद अजीब लगता है। नाइट कैप्स। जब आप लोग कोई एनिमेटेड कार्टून देखते हैं तब क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब रात को वो सोने जाते हैं तब वो नाइट कैप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने एनिमेशन शो को लोगों में ज्यादा पसंदीदा बनाने के लिए अपनाया गया कोई तरीका नहीं है। मेरा यकीन मानिए, 20वीं सदी की शुरुआत में नाइट कैप्स का इस्तेमाल काफी आम हुआ करता था। नॉर्डिक कंट्रीज में तो इसका काफी ज्यादा ही इस्तेमाल किया जाता था। उस समय नाइट कैप्स का इस्तेमाल शायद जुओं से बचने के लिए किया जाता था, और या फिर हो सकता है कि नाइट कैप्स का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता होगा क्योंकि उस समय कमरों को गर्म करने के लिए हीटर जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं था। उस समय की महिलाएं कुछ खास तरह की टोपियां पहना करती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में नाइट कैप पहनना काफी आम बात थी, लेकिन आज के समय में नाइट कैप पहन के सोना ऐसा लगता है जैसे हम खुद का मजाक बना रहे हों। स्ट्रिजिल। ये कोई अजीब तरह का फूला हुआ चाकू नहीं है और ना ही ये कोई घास काटने का फावड़ा है। इसका इस्तेमाल साबुन की तरह किया जाता था। जी हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि प्राचीन काल में साबुन जैसी कोई चीज लोगों के पास नहीं होती थी और अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखने के लिए उस समय लोगों को कुछ ऐसा ही तरीका अपनाना पड़ा। प्राचीन काल के रोमन लोगों ने इसका आविष्कार किया। उस समय के अधिकतर श्रीगल कांसे के बने होते थे। इनका इस्तेमाल एक खास तरह के सुगंधित तेल के साथ किया जाता था। नहाने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती थी, जैसे कि सबसे पहले पूरी बॉडी पर तेल लगाया जाता था और फिर श्रीगल से बॉडी पर मसाज करने के बाद उसे साफ कर लिया जाता था। बॉडी के अलग अलग पार्ट के हिसाब से इनकी शेप भी अलग अलग हुआ करती थी। आप लोगों में से कोई भी इसका इस्तेमाल
शायद ही करना चाहेगा, लेकिन रोमन्स लोग इसी का इस्तेमाल किया करते थे। टॉयलेट पेपर। हमारे पूर्वजों द्वारा शरीर की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को देखने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों द्वारा किस तरह के टॉयलेट पेपर इस्तेमाल किए जाते थे। हम में से बहुत से लोग तो जानते होंगे कि कुछ समुदाय के लोग टॉयलेट पेपर की जगह सूखी पत्तियों का इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए मक्के के पत्ते, इनकी शेप भी कुछ कुछ टॉयलेट पेपर जैसी ही लगती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रीक और रोमन शौचालयों की खुदाई करते समय पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे छोटे छोटे कंकड़ मिले जिन पर नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन उस समय ये तो नहीं पता चल सका कि इनका क्या इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कुछ साल बाद वैज्ञानिकों ने इस बात से पर्दा उठाया कि उस समय टॉयलेट पेपर की जगह इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, हमारे पूर्वज इन्हीं पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे। नुकीले पत्थर से लगने वाली चोट से बचने के लिए इनका आकार भी गोल कर दिया गया, और इन पत्थरों पर लिखे ये नाम शायद उन लोगों के दुश्मनों के होंगे जिनसे वो इस तरह से अजीब तरह का बदला लेते होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को इनमें से सबसे अजीब कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।